بسم الله الرحمن الرحيم. 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 الله 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 Allahu Allah 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 Allahu 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 Allah 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 Allahu 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 Allah 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 subhanahu wa ta'ala ہم سب کے دلوں کو اپنے نور سے منور فرمائیں معزز خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی ایک سفر ہے سہانا یہاں کل کیا ہو کس نے جانا Nobody knows what will happen tomorrow Whatever you can do today it's important Never put your work till tomorrow Tomorrow never comes Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim کل کیسے خوبصورت بنائی جائے کل کو کیسے پرسکون بنایا جائے تمام طرح کی وہ فیسلٹیز جو اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں رکھی وہ ہمیں کیسے ملیں questions لا تعداد سب کا جواب ایک ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں موج کرتے جائیں تمام نعمتیں آپ کے قدموں میں ہوں گی دنیا آپ کے قدموں میں بیٹھے گی ایک خوبصورت بات شیئر کر کے پھر آگے چلیں گے اور چلتے چلتے میرے یہ کام یاد رکھنا کبھی بے وضو نہ رہنا باتوں کو سمجھنا ہے باتوں پر عمل کرنا ہے عمل سے زندگی بنے گی جنت بھی جہنم بھی یہ دنیا اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو ایک گھر ہے
खूबसूरत घर है, अच्छे लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, सखी तबीयत के, हमदर्दी रखने वाले, इंसानों का ख्याल रखने वाले घर है। उस घर के सामने तीन मर्द बैठे हुए, अल्लाह के बंदे, तीनों को ऐसे लग रहा है जैसे भूख लगी हुई है। वो जो घर है उसके सामने बैठे हुए हैं, तो घर से जो खातून निकलती है, खातून खाना, वो उनसे पूछती है कि आपको भूख लगी है, कोई खाना खाना है, तो आप अंदर तशरीफ लाए, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आपको खाना पेश करते हैं। वो एक ही जुबान से तीनों बोलते हैं कि क्या आपके घर में कोई मर्द है, घर का मालिक है, घर का बड़ा है, या आपका शोहर है घर में? उन्होंने कहा घर में तो कोई मर्द है नहीं। तो जो बाहर बैठे थे बेचारे, उन्होंने कहा अगर घर में मर्द नहीं है तो हम घर में नहीं आएंगे, हम इंतजार करेंगे। सुबह से शाम हो जाती है, शाम को जब उनका मियां घर तशरीफ लाते हैं, तो माजरा और मसला जो है पेश करती है कि बाहर आपने देखा है तीन बंदे बैठे हैं, तीनों भूखे हैं, और वो कब से बैठे हैं, लेकिन वो इतने अच्छे हैं कि वो घर में मर्द नहीं थे तो वो अंदर तशरीफ ही नहीं लाए खाना खाने के लिए, भूखे, अगर आप इजाजत दें तो उनको अंदर बुला के खाना खिला लें। तो मर्द भी बहुत अच्छा है, यानी अपनी बीवी के साथ सोल मेट वाला काम करता है, यानी जैसे बीवी चाहती है वैसे करता है, जैसे फिर मियां चाहते हैं वैसे बीवी करती है। सोल मेट ऐसे ही होते हैं जो रूह का ख्याल करते हैं, यानी रूह जो है जिस्मों से भी प्यार करना चाहिए, क्योंकि जिस्म जो है ये अल्लाह सुबहानहू व तआला ने आपको एक अमानत के तौर पे अता किया है, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो मियां ने कहा बुला लीजिए। तो अब जब खातून खाना उन्हें बुलाने गई, तो उन्होंने कहा कि आप तशरीफ लाएं, खाना खाएं। उन्होंने कहा हम तीनों इकट्ठे नहीं जाते, हम में से एक आदमी अंदर जाके खाना खाएगा एक एक करके। तो उन्होंने कहा अपने नाम बताएं। तो एक ने फरमाया कि मेरा नाम है मालो दौलत, और दूसरे ने फरमाया कि मेरा नाम है कामयाबी और कामरानी, तीसरे ने कहा कि मेरा नाम है प्यार और मोहब्बत। तो अब आप सिलेक्ट कर लें कि किसको बुलाना है पहले। तो वो खातून अंदर गई, फिर मशवरा किया अपने मियां से कि देखो ये तीन बंदे बाहर बैठे हैं और वो कहते हैं कि हम एक एक करके आएंगे, एक एक खाना खाएंगे, तो इकट्ठे नहीं खाएंगे, तो पहले किसको बुलाना चाहिए। अब घर में जो ये मियां बीवी हैं ये आपस में तय कर रहे हैं। तो मियां बड़ी खुशी से कहते हैं फिर तो मालो दौलत को बुला लो ना, तो मालो माल हो जाएंगे, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। तो बीवी सोचने लगी, वो कहती है नहीं ऐसा ना करें कि कामयाबी को बुला लें, कामयाबी और कामरानी को, तो कामयाबी और कामरानी मिल गई तो समझ लो फिर भी तरक्की है हमारी। लेकिन घर से बहू जो है वो बोलती है कि आप अगर मुनासिब समझें तो प्यार और मोहब्बत को अंदर बुला लें पहले, और ताकि प्यार मोहब्बत होगा तो हम सब आपस में खुश रहेंगे, हंसी खुशी रहेंगे, और इस तरह जिंदगी आसान होगी, घर भी मोहब्बत प्यार मोहब्बत का गहराना होगा। तो डिसाइड ये किया कि चलो ऐसा करते हैं प्यार और मोहब्बत को बुलाते हैं। अब ये होता है सलाह और मशवरा आपस में करना कि क्या बेहतर है क्या नहीं। ऑप्शंस तो बहुत हैं लाइफ के अंदर, लेकिन अगर घरेलू अफराद जो हैं सारे मिलकर किसी एक डिसीजन पर पहुंचे फिर उस पर अमल करें तो कामयाबी और कामरानी मिलती है। अब देखें सब ने तय कर लिया कि प्यार और मोहब्बत को बुलाते हैं, और प्यार और मोहब्बत जो है उसको दावत दी गई, और ये घर वाले समझ रहे थे वो प्यार और मोहब्बत ही आएगी, लेकिन वो दोनों भी साथ आ गए। अब इन्होंने कहा हमने तो एक को बुलाया, आप क्यों आ गए? उन्होंने कहा अगर आप मालो दौलत को बुलाती तो सिर्फ मालो दौलत ही आता, अगर आप कामयाबी और कामरानी को बुलाते तो ये सिर्फ कामयाबी और कामरानी आता। अब चूंकि आपने प्यार मोहब्बत को बुलाया है तो हम दोनों फिर इनके साथ ही होते हैं, जो प्यार मोहब्बत को बुलाए उनके साथ मालो दौलत और कामयाबी और कामरानी भी साथ होते हैं। इस तरह ये तीनों एक ही घर में चले गए, खाना खाया। तो इस बात से जो बात समझनी है कि आज अगर आप प्यार और मोहब्बत को अपने घरों में जगह अता कर दें
تو مال و دولت اور کامیابی اور کامرانی دونوں جہانوں کی آپ کی دیوانی. اب کیسے آپ رستہ دیتے ہو؟ ہمارا جو سفر ہے یہ پیار اور محبت والا ہے. عشق تو بہت عالی اور بالا چیز ہے, اس تک پہنچنے کے لیے پہلے ہمیں پیار محبت سے گزارا کرنا ہوگا, دنوں کو اچھا بنانا ہوگا, اور سب سے پیار کرنا ہوگا, دل نثار کرنے ہوگا. جتنی نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں یا پیدا ہو گئیں یا بن گئیں, ان کو گرانا ہوگا اور تم کو ہانا ہوگا. عشق سچا ہے تو پھر وعدہ نبھانا ہوگا, آپ کو آنا ہوگا, ایک نہ ایک دن آنا ہوگا. ایک ملاقات ادھوری ہے ابھی, اور ایک ملاقات ضروری ہے کبھی کبھی نہ کبھی تو آپ کو آنا پڑے گا. ملنے کا ٹائم 3 سے 5, لیکن 5 فروری کو کشمیر ڈے ہے, اس دن محفل ہے, فرسٹ سنڈے ہے, 12 سے 4 بجے کے دوران آپ تشریف لائیں, ہمیں خوشی ہوگی آپ کی خدمت. یعنی یہاں پر دو طرح کی خدمتیں کی جاتی ہیں آنے والوں کی, ایک روحانی خوشی کے لیے تگو دو کرنا, ایک جسمانی صحت کے لیے بھاگ دوڑ کرنا. اور یہ جو 3 نام آپ کو بتائے گئے, پیار محبت, کامیابی و کامرانی اور مال و دولت, یہ مفت میں ملتا ہے اگر آپ ایک کو کور کر لیں. پیار محبت یعنی نو لڑائی جھگڑا, نو نفرت, نو ڈسکشن, نو ہیرا پھیری, نو فراڈ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل و کرم فرمائیں گے, گھروں میں خوشیاں آئیں گی. اور ایک معاملہ اور بہت امپورٹنٹ ہے آج کل, چونکہ جو نئے صدر امریکہ کے آئے ہیں ان کی نئی پالیسیز ہیں اسپیشلی فار دی مسلم امہ. انہوں نے کوئی 7 ملکوں سے مسلمانوں کی انٹری پر پابندی لگا دی ہے, جس سے مسلمان خاصے پریشان ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے. ہمارا تو نیشنلٹی بھی امریکن ہے, لیکن اس کے باوجود بیکاز دے آر ان پاکستان, تو وہ کیسے واپس جائیں گے, چونکہ اس نے تو بڑی سخت پالیسی بنا دی ہے. تو اب آپ کی خدمت میں ہم اپنی ریالٹی ایک سامنے آپ کے پیش کرتے ہیں, اور اللہ والوں کی بات آپ کو بتاتے ہیں, بلکہ یوں کہہ لیں کہ اللہ کا فضل و کرم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیسے ہوتا ہے اور کیسے ہمارے ساتھ ہوا ہے. ایک دن ہم جمعہ پڑھ کے گھر آئے. اب اس بات کو خاص طور پر وہ لوگ جو یورپین مسلمز ہیں یا عربین مسلمز ہیں یا پاکستانی مسلمز ہیں, they should not fear of anything. بس اس بات کو اگر آپ نے پکڑ لیا تو انشاءاللہ آپ کی ذات بھی کچھ نہ کچھ بن کر دکھائے گی. ایک مرتبہ جمعہ پڑھ کر ہم آئے تو گھر پہ ہمارے فون آیا, ہم ایسے آرام کر رہے تھے, ایک فون آیا کہ آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں, اب بتاؤ. یعنی وہ بندہ اس سے پوچھا جا رہا ہے, ہم فون بھی امبیسی سے ہے, پوچھا ہم سے جا رہا ہے, اور ہم پچھلے 10 سالوں سے تقریباً اس وقت گھر سے باہر ہی نہیں نکلے تھے. ہمارے سارے جو کام تھے گھر کے باہر کے, وہ بیوی بچے اور دوست احباب کرتے تھے, ہم نے بالکل کنارہ کشی گھر میں اپنے آپ کو قید کر لیا تھا. بہرحال ہم سوچنے لگے ہم تو صدر نہیں جا سکتے, یعنی 22 نمبر پہ رہتے تھے, صدر جانا 5 منٹ کا کام تھا, لیکن ہم نہیں جا سکتے تھے, جاتے ہی نہیں تھے, دل ہی نہیں کرتا تھا باہر نکلنے کو. یعنی اس کو بھی شاید آپ آئسولیشن کہہ لیں, اور لوگوں سے بچنا کہہ لیں, کہ ملیں گے تو کوئی نہ کوئی نئی توقعات ہوں گی, نئے وعدے ہوں گے, نئی وعیدیں ہوں گی, اور پھر وعدہ کر کے سنم تو نہ آئے. تو بات ذرا مشکل ہے لیکن بہت ایزی ہے, کہ جب انہوں نے فون کیا اور پوچھا کہ کیا آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں, ہم نے کہا جی بالکل جانا چاہتے ہیں. اب چونکہ ہمیں پتا تھا یہ اٹس ناٹ اے ایزی جاب, امریکہ کیسے جا سکتے ہیں, ہمیں تو یہاں پاکستان میں کوئی ادھر ادھر نہیں پھرنے دیتا ہے. تو بہرحال اللہ کے فضل سے یہ ہوا, انہوں نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے, آپ کل اپنا پاسپورٹ لے کے ہمارے پاس آ جائیے گا. تو ہم ایسے ہی جیسے سیر سپاٹا کرنے بچوں کو لیا, بچے چھوٹے تھے, اور بچوں کو لیا اور چلے گئے, اور ہمارا نہیں خیال تھا کہ ہم سے کچھ پوچھیں گے یا کچھ کہیں گے. تو بہرحال جو خاتون لڑکی وہاں پر موجود تھی, اس نے ہمارا پاسپورٹ لے لیا اور ایک فارم رکھ دیا کہ یہ ذرا سر فل کر دیں. تو اب ظاہر ہے ہم تو گئے سیر کے موڈ سے تھے, ہم نے جو سمجھ میں آیا اس میں لکھ دیا اور انہیں فارم دے دیا. انہوں نے کہا سر ہم آپ کو بتائیں گے, آپ جا سکتے ہیں.
दूसरे दिन फिर फोन आया, उन्होंने कहा सर वो जो आप के साथ हम मतलब माजरत, उनका स्टाइल ही होता है कि अगर कोई काम ना हो तो सबसे पहले सॉरी और माजरत करते हैं। तो उन्होंने माजरत की कि हमने आपको तकलीफ दी है, लेकिन आपको आपकी फोटो देखकर जो आप वैसी है उसका स्टाफ ये समझता है कि आप तो उसामा हैं, बिल्कुल लगते हैं, टोपी है, दाढ़ी है, सफेद कपड़े हैं, तो एक तो ये रीजन है कि आप नहीं जा सकते, आपका वीजा नहीं लग सकता। दूसरी रीजन ये है कि आपकी उम्र जो है वो 15 और 40 साल के अंदर है या 45 साल के अंदर है, यानी 15 और 45 के अंदर है, तो आप फिर भी नहीं जा सकते। यानी ये उस वक्त की बात है कि ये पाबंदी थी कि पाकिस्तान से मुसलमान की एज या 15 से कम हो या 40 से या 45 से ऊपर हो तो वो जा सकते हैं, और ये पाबंदी है। तो उन्होंने कहा कि सॉरी ये भी आप चूंकि अंडर दी एज हैं तो नहीं जा सकेंगे, पाबंदी आप जैसों पर। लेकिन तीसरी ऑप्शन उन्होंने दी कि आपका जो पासपोर्ट है ये 3 महीने के लिए वैलिड है, यानी ये बात है सितंबर या अक्टूबर की। तो उन्होंने कहा ये दिसंबर में एक्सपायर हो रहा है तो इस पे भी नहीं जा सकते आप, तो मेहरबानी करके आप कल या परसों आके अपना पासपोर्ट वापस ले जाइएगा, लेकिन चले एज ए ट्राई आप अपने पहले पासपोर्ट को तो नया बनवाइए। और हम बड़े भोले भाले सीधे साधे, हमने पासपोर्ट वापस लिया नेक्स्ट डे और आ गए सीधे, फिर कोशिश की कि हम इसको नया बनवा लें, अर्जेंट पासपोर्ट बनवाया। और जब वो पासपोर्ट जो फॉर्म शाम फिल करता है वो कहते हैं कि ये आपका पुराना पासपोर्ट कैंसिल कर दें, इस पर कोई वीजा तो नहीं लगा हुआ, हालांकि वो देख भी रहा था, लेकिन उसने कहा कि आप अगर कहें तो रहने देता हूं, कहें तो कैंसिल कर दें। हमने कहा आप कैंसिल कर दें, क्या करना है जब नया बन रहा है। तो दोबारा पीछे से अम्बेसी वालों ने हमें कहा कि आप नया पासपोर्ट बनाकर आप तशरीफ लाइए और देखेंगे, ट्राई करेंगे। तो जब हमने पासपोर्ट दोबारा, यानी अभी कैंसिल ही हुआ है पासपोर्ट, कैंसिल होके जब बन गया था तो हमें नहीं पता था। अब हम अम्बेसी चले गए, जब पासपोर्ट उनको दिया तो उन्होंने जब खोल के देखा पुराने वाला जो पासपोर्ट था उस पर वीजा लगा हुआ था और ये एक दिन में हुआ था। तो वो खातून बड़ी परेशान हुई कि आपने तो पासपोर्ट कैंसिल करा दिया, अब इसे दोबारा रिन्यू कराएं, और चूंकि आपका वीजा लगा हुआ है, और उसके ही अल्फाज थे कि अगर आप अब जा रहे हैं तमाम पाबंदियों के बावजूद वीजा लग गया, इसका मतलब है आप मुसलमान जाया करेंगे, मौज करा करेंगे। तो ये जो फजलो करम था ये हमारे पीरो मुर्शिद का नजर करम था, अल्लाह ताला की मेहरबानी थी। इसलिए ओवरऑल आपने ये समझना है कि पूरी दुनिया पर बल्कि तमाम आलमीन पर अल्लाह सुबहान व तआला की हकूमत है, ओवरऑल मालिक अल्लाह है और हकूमत भी उसी की है। तो ये जो दुनिया में बादशाह बने बैठे हैं, नई नई पॉलिसियां बनाते हैं, ये उसके पाबंद है, हुक्म के पाबंद है। जब अल्लाह सुबहान व तआला मेरे जैसे आदमी को जो न 3 में है न 13 में है, और वो अमेरिका इसी तरह जब हम जहाज में बैठे जाने लगे तो जहाज में जितने भी मुसाफिर थे उन्होंने हमें देखकर सारों ने ये मावेला शोर शुरू कर दिया कि आप कौन है और कहाँ जा रहे हैं। चूंकि उस दौर में सबको ये डर होता था कि ये अब चूंकि वो ट्रेड सेंटर पे हमला था और बहुत सी ऐसी बातें, तो लोग मशवरा देने लगे जहाज के अंदर ही कि आप मेहरबानी करके ये दाढ़ी कुछ अरसे के लिए जब तक अमरीका जा रहे हैं तो साफ करा देते, फिर आ जाते, ये आप मरने जा रहे हो। मतलब मुझे डराया गया जहाज में कि आप तो गए काम से। अल्लाह के फजल से हम जितना अरसा वहां रहे पढ़ने गए थे और ये पढ़ाई की ऑफर थी, तो हमने पढ़ा, खूब मौज की, तस्बीहें लिए फिरते रहे, दाढ़ी समेत, टोपी समेत, उसी तरह मौलवी बनकर, बल्कि बहुत से गोरे हमसे दुआएं कराए थे और वो कहते थे कि प्लीज प्रे फॉर अस। तो हमें खुशी है कि जब अल्लाह सुबहान व तआला साथ होते हैं तो कोई फियर होता ही नहीं है। अब हो क्या रहा है कि आप लोगों ने अल्लाह को साथ रखने की बजाय फियर्स पाले हुए हैं, कुछ ने बीमारियां पाली हुई हैं, कुछ ने तोते पाले हुए हैं, कुछ ने मुर्गियां पाली हुई हैं, कुछ ने पूरा जू खोला हुआ है। रखना तो चाहिए था अल्लाह सुबहान व तआला को साथ। तो जब अल्लाह सुबहान व तआला साथ लगे तो हमारे दिल से तमाम फियर आउट और मौज कर रहे हैं, कोई खतरा ना इस दुनिया का ना उस दुनिया का। सारी दुनिया के बादशाह मिलकर भी हमारा बाल डिंगा नहीं कर सकते, इसलिए कि हम अल्लाह ताला से डरते हैं।
बस जब उससे डरते हैं तो फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं, वो फिर सबको खुद डराता है, फिर अल्लाह सुबहान व तआला सबको खुद डराते हैं। अब आप कैसे इस लेवल पर आते हो, इसी की कोशिश हम कर रहे हैं इतने अरसे से कि आप अपने सोचने के लेवल को बदलें, जो फियर्स हैं उनसे निकलें, चूंकि ये दुनिया गम तो देती है शरीके गम नहीं होती। और वो लोग जो दुनिया को समझना चाहते हैं, मामलों को समझना चाहते हैं, जिंदगी को समझना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि ये कोई मैथ्स या इंग्लिश या स्टैट नहीं है, लाइफ लाइफ को समझने की बजाय एंजॉय करें। खाना खाने में एंजॉयमेंट होनी चाहिए, पहले खाना सामने आए तो शुक्र करना चाहिए, या अल्लाह आपकी मेहरबानी है कि मैं इस काबिल हूं कि इसके साथ मुंह मारी कर सकता हूं, यानी एंजॉय कर सकता हूं। और एक वक्त हमारी जिंदगी में ऐसा भी आया था जब हम इतने बीमार थे और बीमारी ऐसी थी हमारे मुंह में छाले थे, पूरा मुंह पका हुआ था, और दही से एक रोटी खाने के लिए एक डेढ़ लीटर बोतल पीते थे हम, तब एक निवाले पर एक गिलास, एक निवाले पर, यानी इतनी बुरी हालत थी। और ये सालों ऐसा रहा है हमारे साथ, यानी वो जो रस और दूध ठंडे के साथ भी खाएं तो भी तकलीफ होती, हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे और कोई दवाई शवाई के चक्कर में नहीं पड़े, अल्लाह से बस ये सोचते रहे कि कोई ना कोई गलती जरूर हुई है जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। और ये तकरीबन अंदाजन को 3-1 साल ऐसी सिचुएशन रही है। मालिक का फजल हुआ, करम हुआ, और आज मौज कर रहे हैं। तो जिंदगी को समझे नहीं, जिंदगी को बनाएं, एंजॉय करें, मिलकर रहें, एक होकर रहें, नेक होकर रहें, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे रब ने हम पे करम किया, इंशाल्लाह वो लोग जो हमारी गाड़ी में आहिस्ता आहिस्ता बैठते जाएंगे, अल्लाह का उन पर भी करम होगा, फजल होगा और हमसे बेहतर होगा, क्योंकि ये मालिक की अपनी मर्जी है जिस पर वो करम करता है, जिन पर फजल करता है, जिनके लिए वो दरवाजे खोलता है, उनको वो हिम्मत ताकत और तौफीक भी अता करता है। ये सब उसका करम है कि बात अब तक बनी हुई है। अल्लाह सुबहानहु व तआला आपकी भी बात बनाए रखे और पूरी दुनिया में जितने भी जिन्नो इंस हैं सबकी बात बनाए रखे, सबकी ऐश कराए रखे सबको। अल्लाह के फजल से काफी दिनों से हमारा डॉक्टर अरसलान से रब्ता नहीं हो पा रहा है, वो उधर मसरूफ है, हम इधर मसरूफ हैं, बस दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। तो अल्लाह करे कि ये जो आग है ये मोहब्बत की आग, चूंकि हम जो मुसाफिर हैं वो मोहब्बत के मुसाफिर हैं, हमारा और कोई मसला है ही नहीं। और चूंकि दुनिया में नफरतें फैलाई जाती हैं, नफरतें पढ़ाई जाती हैं, नफरतें सिखाई जाती हैं, हर वक्त ये जो जहन है ये नेगेटिव ही सोचता रहता है कि अगर गैस नहीं आ रही तो ये किसी को कोसेगा, अगर बिजली नहीं आ रही तो ये इस पर डिस्कशन करेगा, अगर कुछ भी दुनिया में गलत हो रहा है तो ये हर वक्त उसको नेगेटिव लेगा, जबकि आपने हर चीज को पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव, जब आप पॉजिटिव लेंगे तो सुकून मिलेगा, खुशी आएगी, खुशियां आएंगी, और आप ये समझेंगे कि अगर मैं फेल हो रहा हूं, अगर मुझे तकलीफें आ रही हैं, इसका मतलब है कि मैंने कोई अच्छा काम अब करना है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है जिसकी वजह से रुकावटें आती हैं, और उन मिस्टेक्स को दूर करेंगे, उन कमजोरियों को दूर करेंगे, उन मजबूरियों को दूर करेंगे, और खूब से खूब तर की तलाश रहनी है, यानी कल आज से बेहतर होना चाहिए। और उसके लिए सिर्फ ख्वाब नहीं देखने हैं कि कल अच्छा होना चाहिए, मेरे लिए ऐसी पजारों खड़ी हो, ऐसी दो दो कनाल की कोठियां हो, ये सोचने से नहीं आएंगे, ये कुछ करने से आएंगे, कुछ कमाने से आएंगे, अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाने और झोली पहलानी पड़ेगी। और पैसा कमाने का कोई भी ऐसा जायज मौका, लीगल मौका नहीं छोड़ना है, यानी फर्ज कर लें कि कोई अगर शख्स सामान लेके जा रहा है, आप उसका सामान उसके घर पहुंचा देते हो, वो मोहब्बत में 5 या 10 रुपए भी दे तो ले लें, इनकार ना करेंगे मेरे पास बहुत पैसा है, चूंकि पैसा जब होता है तब पैसे की कदर नहीं होती है, जब नहीं होता है फिर पता लगता है। इसी तरह जब रिश्तेदार और रिश्ते नाते
टूट जाते हैं और रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, फिर उनकी कदर होती है, जब पास होते हैं तो कदर नहीं की जाती है। तो अपना भी ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, और नो फियर, यानी आपकी लाइफ फियर लेस होनी चाहिए। आप एक बहुत ही यानी पावरफुल पर्सनैलिटी बन के दिखाएं, क्योंकि बात तो बचपन से शुरू होती है तो जवानी तक पहुंचती है, और जवानी से लेकर फिर दीवानी तक पहुंचती है, फिर दीवानी से लेकर ये आसमानी तक पहुंचती है। अल्लाह करे कि आपकी लाइफ में खुशियां हो, हिम्मत हो, जुर्रत हो कुछ करके दिखाने की। अगर आप समझते हो कि कुछ करना है तो सबसे बड़ा दंगल जो है, अब पता नहीं आप दंगल को समझते हैं, यानी खेल तमाशा दुनिया में जो है वो है सियासत, पॉलिटिक्स। आप करके दिखाइए, हम भी पॉलिटिक्स हैं, हम भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, और ये जो काम कर रहे हैं ये हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि हम आपके फ्यूचर की फिक्र करते हैं। बस ये फिक्र करना ही एक काम है। अल्लाह करे कि आपको तमाम फिक्रों से आजादी अता हो, और एक फिक्र है कि कहीं रब्बे करीम नाराज ना हो जाए, ऐसा कोई काम न किया जाए। और इस काम में यानी अपनी जिंदगी में खैर बरकत लाने के लिए हमसायों का ख्याल रखे, पहले तो घर में जो रहते हैं उनका ख्याल रखिए, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए, और मिलने मिलाने की जो सूरत बने, यानी अब 5 फरवरी आने वाला है तो हम सबको दावत देते हैं कि चाहे वो किसी भी शहर में रहते हैं वो जरूर 12 और 4 के दरमियान तशरीफ लाएं, ताकि बीमारियों से निजात हासिल करें और अच्छी खूबसूरत जिंदगी गुजारें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह चलते चलते बावजूद रहना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Allah 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 Allah